सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। जहां भी सरकारों ने युवाओं के खिलाफ काम किया है वो सरकारें सत्ता से बाहर हुई है, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो। ये सारी सरकारें पेपर लीक और भर्ती घोटालों के आरोपों में गिरी हुई थी। परिणाम यह हुआ कि इन तीनों ही राज्यों में सत्ता में बैठे दल अब सरकार से बाहर है। आज देश के युवा में ये भरोसा लगातार बढ़ रहा है कि बीजेपी ही उसकी आकांक्षाएं समझती है, उसके लिए काम करती है। देश का युवा ये जानता है कि बीजेपी की सरकार युवा हितैषी होती है, युवाओं के लिए नए अवसर बनाने वाली होती है। साथियों, आज देश का आदिवासी समाज भी अब खुलकर अपनी बात रख रहा है। ये वो आदिवासी समाज है जो कांग्रेस की नीतियों की वजह से 7 दशक तक पीछे रहा, जिसे अवसर नहीं दिए गए। इनकी जनसंख्या आज 10 करोड़ के आसपास है। हमने गुजरात के चुनाव परिणामों में भी ये देखा है, जिस कांग्रेस ने आदिवासी समाज को कभी पूछा तक नहीं, उस आदिवासी समाज ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। यही भावना आज हमने एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी देखी है। इन राज्यों की आदिवासी अंचल की सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। आदिवासी समाज आज विकास के लिए आकांक्षी है और उन्हें भरोसा है कि इस आकांक्षा को सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार ही पूरा कर सकती है। मेरे परिवारजनों, मैं आज हर राज्य के भाजपा कार्यकर्ताओं की भी सराहना करूंगा, भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा। भाजपा और कमल के प्रति आपकी निष्ठा, आपका समर्पण अतुलनीय है। डबल इंजन सरकार का मैसेज आपने पूरी ईमानदारी से जन जन तक पहुंचाया। इसी का परिणाम आज हमें मिल रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी जिस प्रकार अपनी नीति रणनीति को अमल में लाए, ये विजय उसका भी परिणाम है। और चुनाव के दरमियान उनके परिवार में एक दुखद घटना घटी, लेकिन उसके बावजूद भी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में दिन रात डटे रहे। साथियों,
राजनीति के इतने वर्षों में मैं हमेशा भविष्यवाणियों से दूर रहा। मैं कभी वादे वादे और बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करता हूं, इतने साल हो गए कभी नहीं करता हूं। लेकिन इस बार चुनाव में मैंने अपना ये नियम भी तोड़ा था। मैंने राजस्थान में मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए उन्हीं की धरती पर ये भविष्यवाणी की थी कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार लौट करके नहीं आएगी। मैं भविष्यवेत्ता नहीं हूं, लेकिन मेरा राजस्थान के लोगों पर भरोसा था, वहां की जनता पर भरोसा था।